तो दोस्तों SRK की जवान मूवी का प्रीव्यू देखने के बाद एक बात तो पक्की हो गई कि भाई इस मूवी में 4 बिलियन होने वाले हैं। नंबर 1 ये पट्टी वाला SRK और नंबर 2 ये टकला SRK, क्योंकि आप इस ऑफिशियल रिपोर्ट में देख सकते हो जवान मूवी में SRK के 2 रोल होने वाले हैं। अब दोस्तों तीसरा विजय सेतुपति और चौथा हमारे KGF 2 के सबसे खतरनाक विलन संजय दत्त, मतलब यार 4 विलन होने वाले हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी में हीरो कौन होने वाला है, तो यार वो है साउथ इंडियन मूवी का सबसे खतरनाक हीरो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन लोगों को सैलरी कितनी मिली है। तो देखो यार इस मूवी का बजट है 220 करोड़, और इस मूवी के सॉन्ग राइट और इसके थ्रेटिकल राइट और इसके OTT राइट जिन्हें बेचने के बाद 250 करोड़ पहले इस मूवी ने कमा लिए हैं। मतलब यार आप सोच सकते हो कि ये मूवी ऑलरेडी 30 करोड़ प्रॉफिट में चल रही है। वेल दोस्तों यार इस मूवी में दीपिका पादुकोण भी है, जो भाई साहब इसके प्रीव्यू में दिखाई जाती हरियाणा के एक बहुत ही खतरनाक अखाड़े में रिमझिम बरसती बारिश में कितनी अच्छे तरीके से विलन को धो रही है, मतलब कि उन्हें पीट रही है। वेल दोस्तों यार उन्हें इस मूवी में कैमियो करने के लिए मिले हैं 15 करोड़ रुपए। और दोस्तों यार जो इसमें दूसरी मेन फीमेल एक्टर हैं नयनतारा, उन्होंने इस मूवी को करने के लिए चार्ज किए हैं 11 करोड़ रुपए। और दोस्तों यार इसके जो सबसे खतरनाक विलन विजय सेतुपति सर हैं, उन्होंने चार्ज करे हैं 21 करोड़ रुपए। और दोस्तों यार इसमें जो मेन एक्टर SRK हैं, उन्हें मिले हैं भाई साहब इस मूवी को करने के लिए 100 करोड़ रुपए। मतलब यार अटल कुमार सर कम से कम SRK सर को 150 करोड़ तो दे ही देते, क्योंकि यार आप उनसे 2 रोल करवा रहे हो, वो भी विलन वाले जो सिर्फ उन्होंने बाजीगर मूवी में करे थे, और उसमें तो भाई साहब उनकी एक्टिंग अलग ही लेवल की थी। वेल दोस्तों यार क्योंकि शाहरुख खान ने पठान मूवी करने के लिए 200 करोड़ चार्ज किए थे। अब दोस्तों यार बात कर लेते हैं उस मेन हीरो की जिसने भाई साहब इस मूवी को करने के लिए 1 भी रुपया नहीं लिया है, और भाई साहब सबसे खतरनाक वही है इस मूवी में। तो देखो यार उस एक्टर का नाम है विजय थालापति, जो कि भाई साहब SRK के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और साउथ इंडियन मूवी के किंग भी हैं। वेल दोस्तों यार उनकी नई मूवी लियो आने वाली है, और वो इनकी लास्ट मूवी होने वाली है। तो अतुल कुमार सर ने सोचा क्यों ना इनका कैमियो इस मूवी में भी डाल दिया जाए, लेकिन दोस्तों इनका इतना खतरनाक कैमियो इस मूवी में होगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। वेल दोस्तों यार अब विजय थालापति के सामने 4 विलन, अब वो कैसे इन लोगों से लड़ते हैं, कैसे इन लोगों से बचते हैं, वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मैं तो यार इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक्साइटेड हूँ इस मूवी के ट्रेलर के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो इस मूवी का प्रीव्यू रिलीज हुआ था उसे वैसे ट्रेलर कहते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रेलर उसे ही कहते हैं जिसमें हमें कुछ स्टोरी दिखाई जाए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस प्रीव्यू में बिल्कुल भी स्टोरी नहीं दिखाई गई है, इसीलिए इसे ट्रेलर कहा जा सकता है। वेल दोस्तों इसका ट्रेलर जल्द ही आएगा, तो चलिए जब तक उसका वेट करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस मूवी का मेन हीरो भी पता चल चुका होगा। वेल दोस्तों आपको और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।